केवल विद्या भी प्राप्त नहीं करा सकती। इसलिए तार जो सविद्या तवांग्री छाया आश्रयम, अतः इसलिए ऋषि आपकी जो विद्या सहित चरण कमल की छाया रूपी भक्ति को मैं आश्रयन करते हैं। मार्गंती यत्ते मुख पद बनी तन छंद सुपर्ण ऋषि अभिवित यशोद सरिद्वराया पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना मार्गंती यत्ते मुख पद मनीड़ अतः मार्गंती मन अन्वेषयंती तीर्थ तदा तदा तदम वयम प्रपन्ना जिस चरण कमल की ही अन्वेषण किया करते हैं सभी लोग उसी के लिए प्रयासरत रहते हैं। विभिन्न प्रकार के नवदा भक्तियों को अपनाए हुए हैं कि किसी भी प्रकार से हमको भगवान का शरण मिल जाए। जिस प्रकार से विभिन्न साधन के द्वारा जिस चरण कमल की आश्रण करने के लिए अन्वेषण किया करते हैं वो कपट मुंडी छंद कैसे करते हैं ऋषि लो विविक्त है ऋषय विविक्त देश विविक्त देश में रह करके किसके माध्यम से अन्वेषण कर रहे हैं वेद रूपी पंक्षियों से आपकी मुख रूपी नीड़ क्योंकि भगवान के मुख से समस्त वेद निकले हैं। से वेद भी पक्षी उड़ कहां से रह रहे हैं मुख निकल करके उनसे घोसला कौन है भगवान का मुख ही है ना। अस्य महतो भूतस्य योनि है आया ना तो इसलिए कहते हैं मुख पद्म नीड़ आपके मुख अरविंद रूपी नीड़ से निष्पंदो छंद सुपर्णी वेद रूपी पक्षियों के द्वारा ऋषयो विविध मार्गे स्थित मार्गन मार्गंती विविध देश में बैठ करके सम्मार्गन करते हैं अर्थ अन्वेषण किया करते हैं। यस्याघमर्षोदस हरिद्वराय पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना कहते यस्य अघमर्ष उदस हरिद्वराय जिसके लिए जो है कैसा है अघमर्षम मैंने अघनाशकम अघमर्ष कहते अघमने पाप उसको मर्षण मैं नाश करने वाला अगम सकल पापों को नाश करने वाला जल है ना। जितने भी तीर्थ स्थल हैं नदियां हैं श्रेष्ठ वो सारी नदियां पापों को नाश करने वाले उनमें भी जो श्रेष्ठ कौन गंगा इसलिए कहते हैं अगमर्ष उद सरिद्वराया अघ को नाश करने वाले जल में जल में भी जो नदियां हैं उन नदियों में भी जो श्रेष्ठ नदी उसकी भी जो वराया घमर्ष सरिद्वराया पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना जिसकी जो है तास वाला गंगा में भी क्या गंगा अनुसेवन माना भी गंगा का अनुसेवन करने के बावजूद भी क्या होता है अंत में भगवान के चरणों को प्राप्त। क्यों लोग गंगा जी के तट पर रहना चाहते हैं क्यों गंगा जी का सेवन करना चाहते हैं इसलिए कि भाई ये हमारे पापों को नष्ट कर देगी तो क्या होगा तो हमें भगवान का शरण मिल जाएगा। अंत गो गत्वा कहने का लो हर एक साधन का अंतिम क्या है स्वरूप फल भगवत प्राप्ति के सिवा और कुछ नहीं। यच्छदया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमान हृदय वधाय ज्ञानी न वैराग्य बले न धीरा व्रजीम तत्व सरोज पीठम शंका किसी में हो सकता है विषयों से आकृष्ट चित्त है सांसारिक विषयों में सदा लिप्त रहने वाला हमारा जब चित्त है तो यह चित्त उस वेद मार्ग को अपना करके भक्ति आदि साधने गंगा आदि साधनों को ग्रहण करके भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है ऐसा ये मन में आशंका होती है तो जवाब देते बात भी सही है। लेकिन ये श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या हृदय अवधाय समृद्ध माने श्रद्धा से विभिन्न प्रकार की श्रुति स्मृति कथाओं को श्रवण करने से भक्ति के द्वारा हृदय में अवधारण करने पर वंत
चित्त शुद्ध हो जाता है, समृच्य मान चित्त को धो जाने हो, धो देने पर ज्ञानी में वैराग्य बल धीरा, वैराग्य बल से युक्त ज्ञान के द्वारा धीर पुरुष अंत तो कहा जाता है ते अंग्र सरोजम सरोज पीठम आपके चरण कमल रूपी पीठ को हम प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं ऐसे कैसे तुम श्रद्धा करोगे, भक्ति करोगे, कथाओं को श्रवण करके अंतकरण को शुद्ध करोगे, ज्ञान बल रूप को लगे वहां तक पहुंचोगे, क्या है क्यों नहीं संभव है? क्या ठेका ले बैठे संयम है कृतावतार से पराम भुजम व्रजे न सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रेक्षत्य भयं स्वपुंसाम। आप भक्तों को स्मरण करने में तो सब कुछ दे देते हो, हमें क्यों नहीं दोगे? जब हम श्रद्धा पूर्वक आपकी कथाओं का श्रवण करते हुए भक्ति के माध्यम से अपने हृदय में आपको धारण करो, अंतकरण को शुद्ध करके ज्ञान और वैराग्य के द्वारा आपके शरण में आएंगे तो हमें क्यों आप दोगे? क्योंकि आपने तो इस संसार का जन्म स्थिति और लय के लिए ही अवतारों को ग्रहण किए हुए हो। कृतावतारस्य ते पदाम्बुजम आपके चरण कमलों को सर्वे शरणं व्रजेम हम सब के सब देवता आपके शरण को प्राप्त होते हैं। यदि ईशा क्योंकि हम ये जानते हैं ईशा क्योंकि हम इस बात को अच्छे समझ रहे हैं जो आपका स्मरण है ना ये स्मरण चेत अभयम प्रेत चित स्वपुंसाम जो आपके भक्त होंगे वे केवल आपके स्मरण करते हैं इतने मात्र से आप उनको अभय प्रदान कर देते हो। यह बात गजेंद्र मोक्ष में अत्यंत स्पष्ट ही है। यत्सान बंदी असति देह गेहे महामित्यूध दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम वसतो पिपुर्याम भजे मतत्ते भगवन पदाब्जम। यत्सान बंदी असति देह गेहे लेकिन शंका ये भी हो सकता है वो तो अंतर्यामी है जो सदा आपके पास है, कहा तो ढूंढ रहा है उसको, क्यों परेशान हो रहे हो? चरण कमल कहीं और है क्या? तो भीतर ही है, सर्वत्र व्यापक है परमात्मा, तो आपके हृदय में अंतर्यामी रूप नहीं तो है द्वास पुराणा से जा सका है इत्यादि मंत्र में कहा गया। फिर क्यों बाहर ढूंढने आ रहे हो और क्यों इतनी परिश्रम कर रहे हो? तब कहते बात तो सही है लेकिन क्या करेगा? यह सान बंध है असत देह गे है कभी सान बंध है स्वपकरणे उपकरण है सब आम कान पाने सब दुनिया भर की इंद्रिया है दस इंद्रिया इन उपकरणों के सहित असत देह गे ही तुच्छ असत मिले ये तुच्छ शरीर रूपी घर के अंदर रह करके क्या कर रहा है? मम अहमिति अहंता ममता कर बैठा हुआ है वर्मा के उपर देख रहा है जो भीतर नहीं है पता ही नहीं बाहर जगत के साथ संबंध जोड़ करके मामा अहमिति पूढ़ दुराग्रहा इस प्रकार से निरंतर जो है ना इस शरीर के अंदर में रहता उस परमात्मा को भूल करके उस परमात्मा को प्राप्त इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऊढ़ है एकदम दृढ़ हो चुका है दुराग्रह उन लोगों की जिन पुंसाम सुदूरम वसतोपुरिया पुरुषों के लिए आप परमात्मा इस पुरी में इस शरीर भी पुरी के अंदर रहते हुए भी सुदूरं दूर तद्वंती तद्दूरे तद्वंती के वही परमात्मा दूर भी है और परमात्मा नजदीक ज्ञानी के लिए स्वरूप होने के नाते नजदीक है अज्ञानी के लिए संसार में भटक रहा हो उसके लिए तो भगवान बहुत दूर सूरम वसतोपुरिया इस शरीर की नगरी में वास करते हुए भी वह परमात्मा हम लोगों के लिए दूर हो गया। भजे मतत्ते भगवन पदाब्जम सर्वांतरयामी आप परमात्मा चरण कमलों को निरंतरम भजन करते हैं। पांडवास वृत्ति विरक्ष विरिये पराहतांतर मन सत्परेश
ಅಥೋ ನ ಪಶ್ಯಂತಿರುಗಾಯನೂನಂ ಏತಿ ಪದನ್ಯಾಸ ವಿಲಾಸ ಲಕ್ಷ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಿಪಾಠಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಪಾಠ ತಾನ್ವ ಅಸವೃತ್ತಿರ್ ಅಕ್ಷಿಭಿರ್ ಏ ಪರಾಹದಾನ್ ಪರಾಹದಾಂತರ ಮನಸ ಪರೇಶ ಹೇ ಪರೇಶ ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರೇಶ ಮನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇ ಹೇ ಪರೇಶ ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನ್ವ ಉನ್ ಸಬ್ಗೋ ಕೈಸೆ ಹೇ ಓ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಹೇ ಅಸವೃತ್ತಿರ್ ಬೈರ್ಮುಖೈರ್ ಅಕ್ಷಿಭಿರ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಪರಾಹೃತಂ ದೂರಂ ಅಪಾಹೃತಂ ಅಂತಸ್ತಂ ಮನೋ ಶಾಂತಿ ಅಸದ್ವೃತ್ತಿವಿ ಮನೆ ಬೈರ್ಮುಖಿ ಜೋ ಅಕ್ಷಿವಿ ಇಂದ್ರಿಯಂ ಕೆ ದ್ವಾರ ಪರಾಹೃತ ಅಂತರ್ ಮನ ಜಸದ ಪರಾಹೃತ ಗಯಾ ಮನೆ ದೂರ ಲೇ ಜಾಯ ಗಯಾ ಹೈ ಅಪಹೃತ ಹೋ ಗಯಾ ಹೈ ಅಂತಸ್ತ ಮನ ಜಿನ ಕಾ ಒಂದು ಅದೆ ಪ್ರಾತನ್ ಮನಸ ಅಥವ ಅತಯವ ತೇ ನೂನಂ ತಾನ್ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಇಸಿಲಿಯೇ ತಾನ್ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಇಸ್ರೆ ವೇ ಲೋಗ್ ಜೋ ಹೈ ನಾ ಆಪ್ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಕೋ ನಹೀ ದೇಖ್ತೆ ಹೈ ಯೇ ನೂನಂ ಯೇ ಉರುಗಾಯತೆ ಪದನ್ಯಾಸ ವಿಲಾಸ ಲಕ್ಷ್ಮ ಕಿಂತು ಕೇಸೆ ಹೋತಾ ಹೈ ಕಹತೆ ನೂನಂ ದಾನ್ ನ ಪಶ್ಯ ಕಥಾಂ ಉತಃ ತೇಷಾಂ ಸಂಗ ಸ್ಯಾತ್ ಕೃತಾಂತಿ ತವ ಪದನ್ಯಾಸೋ ಗಮನಂ ತಸ್ಯ ವಿಲಾಸೋ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾ ತಸ್ಯ ಏ ಮನೆ ಆಪ್ಗೆ ಚರಣ ಕಿ ಓರ್ ಗಮನ್ ಕರ್ಣ ಪದನ್ಯಾಸ ಮನೆ ಪದ ಗಮನ ತಾರಸ ಗಮನ ರೂಪೀ ಜೋ ವಿಲಾಸ್ ರುದ್ರಂ ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾರಸ ಶೋಭಾ ಸೆ ಯುಕ್ತ ಹೈ ಜೋ ಲೋ ವೇ ಲೋ ಅರ್ಥಾತ್ ಆಪ್ ಲೀಲಾ ಕಥಾದಿಯಂ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಶೋಭಾ ಯಮಾನ ಆಪ್ಕೆ ಜೊ ಭಕ್ತೋಂ ಕೋ ಹಿ ಆಪ್ ದರ್ಶನ್ ದೇತೆ ಬಾಕಿ ಸೆ ತೋ ಅಪೂರ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಲೇಕಿನ್ ಜೋ ಲೋ ಆ ಲೀಲಾ ಕಾವ್ಯ ರೂಪೀ ಶೋಭಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋಕರ್ ಕೆ ಆಪ್ಕೆ ಭಕ್ತ ಹೋತೆ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ತೋ ಆಪ್ ಅತ್ಯಂತ ನಜದೀಕ ಹೈ ಉನ್ಕೋ ತೋ ಆಪ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ ಔರ್ ಅನ್ಯಂ ಕೋ ವೋ ಅನ್ಯ ಲೋಗ್ ತೋ ಆಪ್ಕೋ ದೇಖ್ತೆ ಭಿ ನಹೀ ಅಥೋ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ದೂಸರೆ ಲೋಗ್ ತೋ ದೇಖ್ತೆ ಭಿ ನಹೀ ಹೈ ಔರ್ ಬಾಕಿಯೋಂ ಕೋ ಆಪ್ ನಿಶ್ಚಿತ ರೂಪ ಸೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ ಸುಧಾಯ ಪ್ರವೃದ್ಧ ಭಕ್ತ್ಯ ವಿಷದಾಶಯಾಯ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಾರಂ ಪ್ರತಿಲಬ್ಧ ಬೋಧಂ ತಾಂಜಸಾನ್ವಿಯೋರಕುಂಠ ದಿಶಂ ಹೇರೋವ ತೇ ಕಥಾ ಸುಧಾಯ ಪಾನೇನ ಪ್ರವೃದ್ಧ ಭಕ್ತ್ಯ ವಿಷದಾಶಯ ಯೇ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಾರಂ ಬೋಧನ ಲಭ ಅಂಜಸ ಯಥಾನ್ವಿಯೋ ಅಕುಂಠ ದಿಶ್ಯಂ ಕದಡ ಕಹೇ ದೇವ ಆಪ್ ಕಥಾರೂಪಿ ಅಮೃತ ಕಾ ಪಾನ್ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಪ್ರವೃದ್ಧ ಹೋ ಚುಕಿ ಹೈ ಭಕ್ತಿ ಜಿನ್ಕೆ ಹೃದಯ ಮೇ ಔರ್ ಜಿನ್ಕೆ ಜೋ ಹೈ ವಿಷದ ಆಶಯ ಜಿನ್ಕಿ ಜಿತ್ನಿ ಭೀ ಆಶಯ ಹೈ ವೋ ಸಬ್ ವಿಷದ ಹೋ ಚುಕಿ ಹೈ ವಿಶುದ್ಧ ಹೈ ಐಸಾ ಹೋಕರ್ ಸತ್ಸಂಗ ಕೆ ಅಭಾವ ಮೇ ಹರಿ ಕಥಾ ಕೆ ಶ್ರವಣ ಕೆ ಅಭಾವ ಮೇ ಹೃದಯ ಮೇ ಸ್ಥಿತ ಹೋನೆ ಪರ್ ಭೀ ಜೋ ದೂರ್ ಥಾ ವೋ ಅಭಿ ನಜದೀಕ್ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ಜಬ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ನೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಸೆ ಏತಾರ್ಷ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಕಥಾ ಅಮೃತ ಕಾ ಪಾನ್ ಕರೇಗಾ ಭಕ್ತಿ ಕೋ ಬಡಾಯೇಗಾ ಉಸ್ಕಿ ವಾಸನೆ ವಿಮಲ ವಾಸನೆ ಹೋ ಜಾಯೇಗಿ ವಿಷದಾಶಮ ನಹೀ ವಿಮಲ ವಾಸನೆ ಹೋ ಜಾಯೇಂಗಿ ಔರ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಾರಂ ವೈರಾಗ್ಯ ರೂಪಿ ಬಲ್ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರೇಗಾ ಬೋಧಂ ಪ್ರತಿಲಭ್ಯ ಹರ್ ಜ್ಞಾನ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ವೋ ಲೋ ನಿಶ್ಚಿತ ರೂಪ ಸೆ ಯಥಾಂಜಸಾನ್ ವಿಯೋ ಹೋ ಉನೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಯೋ ಅಕುಂಠ ದುಷ್ಟಿಂ ವಾ ಶೀಘ್ರಾತಿ ಶೀಘ್ರ ಹಿ ಅನಾಯಾಸ ಹಿ ಭಗವತ್ ಚರಣಂ ಕೋ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ ಜಾತೆ ಹೈ ಯಥಾ ಪುರುಷ ಭಗವತಾ ತಥಾ ಪರೇ ಚಾತ್ತ ಸಮಾಧಿ ಯೋಗ ಬಲೇನ ಜಿತ್ತಾ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಬಲಿಷ್ಠಾಂ ತ್ವಾಮೇವ ಧೀರಾ ಪುರುಷಂ ವಿಶಂತಿ ತೇಷಾಂ ಸಂಸಾನ್ ನ ಚ ಸೇವಯಾತೆ ಜೈಸಾ ಯೇ ಲೋಗ ಅನಾಯಾಸಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಹಿಂ ದೂಸರಾ ವಯಸ ಅನಾಯಾಸ ಯೇ ಬಹುತ್ ಪ್ರಯಾಸ ಕರ್ನಾ ಆಸ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣಾ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಬಡಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಹೈ ಸಬ್ ತಥಾ ಅಪರೇಚ ಆತ್ಮ ಸಮಾಧಿ ಯೋಗ ಬಲೇನ ಯೇ ದೂಸರೆ ಲೋಗ ಕೈಸೆ ಹೈ ಅಪ್ನೆ ಸ್ವರೂಪ ಮೇ ಸಮಾಧಿ ಮನ ಕಿ ಸ್ಥಿರತಾ ಆತ್ಮನಿಯೇವ ಮನಸ್ಥಿರಂ ಸಮಾಧಿ ಸಯವ ಯೋಗ ಉಪಾಯ ವೈಯ ಸಾಧನ ಜಿನ್ಗಾ ತಾರ ಸಾಧನ ಜಿನ್ ಬಲ್ಕಿ ದ್ವಾರಾ
ಜಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆದ್ರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊ ಅನಂತ ಮಂತ ಅವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕೃತಿ ದಿ ಉಸ್ಕೋ ಭೀ ವೋ ಜೀತ ಲೇತೆ ಹೈ ಔರ್ ಅಂತ ವಿಧಿ ತ್ವಾಮೇವ ಪುರುಷಂ ತ್ವಾಮೇವ ಪುರುಷಂ ಧೀರಾ ವಿಶಂತಿ ಆ ಪುರುಷ ತತ್ವ ಕೋ ಹಿ ಸಭಿ ಅಂಕು ಪ್ರವೇಶ ಕರ್ ಪಡತೆ ತೇ ಶ್ರಮಾ ಸ್ಯಾತ್ ಯನರಂ ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಕರ್ ಪಡೇಗಾ ನ ತು ಸೇವಯಾತೆ ಲೇಕಿನ್ ಆಪಕಿ ಭಕ್ತಿ ಕೆ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಆಪಕಿ ಸೇವಾ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋಂ ಕೆ ಲಿಯೆ ತೋ ಬಿನಾ ಪ್ರಯಾಸಿ ಪುರುಷ ಲೋಕ ಬತಾವ ಅನಯಾಸೈ ಅಂಜಸೈವ ಅನ್ವಯೋ ಅಕುಂಠ ತಿಷ್ಠತೆ ಅನಯಾಸಿ ಭಕ್ತಿ ಕೋ ಪಾಲತೆ ಕಥಾಮೃತ ಕೋ ಸುನ್ನಾ और सुनने से भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ने से अंतकरण शुद्ध होगी, आपकी वासनाएं विमल हो जाएंगे, वैराग्य बढ़ेगा संसार से और ज्ञान प्राप्त स्वतः होकर के मुक्ति अनायास हो जाता है। इस मार्ग से योग मार्ग बहुत परिश्रम करना पड़ता है, एकांत में बैठना पड़ेगा, सीधा बैठना पड़ेगा। अच्छा याद है कथा सुनने में क्या लेटे लेटे भी सुन लो क्या बताइए, लेकिन कीर्तन घर तो सोए नहीं लेते हैं। हाँ बीजी से घर उठे लुटे उठे लुटे घर देखे घर जो सोए ऐसा उठ के खा हो जाएगा, वो मैं लेटा ही नहीं सकते। हरियाणी तो कहने का मतलब यहाँ जैसा भी बैठे से तो जो भी चलेगा सुनने में क्या कथामृत का कान में जरा बड़ा आनंद आ रहा है सुनने में। वहां तो कान त्रुण तुम दिन ऐसी तक सर का सर सीधा होना चाहिए। चेला आज ने कुछ उत्तर वो आसन तय कर दिया, अरे यहां तो कहीं भी बैठता कोई आपत्ति नहीं। अरे कितनी नियम बताया गया है, सारी इंद्रियों को जो है विषय से अलग करके अंश उपसंहरण कर लेना, फिर उसको धारण करी जो ठिकाना और ठिकाने के बाद वहां पर ध्येय वस्तु का ही एकाकार वृत्ति का संचालन करना बड़ा कठिन कर। जो व्यक्ति प्राण संचालन शक्ति संचालन आदि क्रियाओं को जानता है वही कर पाएगा ना, मर्जी से संचालन कर सकेगा, नहीं तो क्या करेगा, बैठे रहेगा और बैठे बैठे दुनिया घूम घूम कर क्या जाएगा, कुछ तो होना है नहीं। इसलिए उसमें तो मुझे बहुत परिश्रम है, तेषां श्रमस्या न तो सेवा आते हैं, आपकी सेवा के अगर लब्धि मुक्ति में कोई परिश्रम नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, भक्ति में नियम नहीं होता। तो वैष्णवों ने जान के छोड़ा है, शुरू में आपको नियम से उठना आरती करो ये करो करो ऐसे करो नाव दो शुद्र हो ऐसा, लेकिन आरती तो कोई नियम नहीं। बुढ़िया थी तो भगवान भोग लगाती सवेरे 8 बजे ठीक भोग लगाती, तो कन्या जाएगा गांव को लेके जाएगा ना, तो इधर 8 बजे के मैं भोग लगाना है। अब बुढ़िया थी बेचारी, जल्दी नींद न टूटे तो लेट से उठती तो क्या करे कैसे बनाया जाए, तो वो दूध चढ़ा दिया चावल चावल डाल के पकाती थी और वही दांत मंजन कर देती है, मंजन करते तो उसी से उसको घुमा दी। अच्छा ये घुमा तो गर्म भी हो जाता है, बढ़िया दांत साफ होता होगा, काच करते रही करते रही। और भगवान ने बड़ा प्रेम से किसी भक्ति ने उसे समय का ख्याल था, उसको ये नहीं था जूठा कर दिया क्या हुआ, वो होश ही नहीं, ये तो भाई 8 बजे के मैं खीर तैयार हो जाऊंगा टाइम का, अब आ जाऊंगी शौच करूंगी फिर विधान पूजन करेंगे नहाऊंगी धोएंगी आएंगी फिर बनाऊंगी तो टाइम बहुत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जो है करती रही। एक बार बाबा जी आ गए वैष्णव बाबा, उनसे नहीं क्या जो जुटा पुटा कर रही तो गलत हो गया, नहीं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा नियम बना दे दुनिया भर के, अब बेचारी क्या करे, अब महाराज अब कह रहे तो कैसे इसे नियम करता हूं, तो करने लगी नियम कर कर 11 बजे खीर बनते 11 बजे खीर लेके बैठी रही वहां में आगे नहीं खाने को मैं परेशान, क्या करेगी वो तो सोचती रही, फिर भी नहीं खाई, अरे भगवान ही नहीं खा रहे तो मैं क्या खाऊंगी, बस ये भक्ति कैसा करे, भगवान आ ही गए रूठे रूठे और आवाज दी तो बोली बहुत नहीं मैं नहीं खाऊंगी, तुमने क्यों लेट किया, सारा काम बिगड़ गया मेरा, भूखे भूखे मुझे जाना पड़ा, अब फिर तू जो है भूखी बैठी इसे मेरे को आना पड़ गया, सब उल्टा पुल्टा काम कर रहे हो तुम, बड़ा मुश्किल से मनाया भगवान को मना कर खिला पिला दिया, फिर पूछियो क्या आप रोक बताओ, बाबा ने ऐसे ऐसे बता के गया है गुरु नियम काम नहीं चलता हमारे साथ, तुम अपनी भक्ति श्रद्धा से प्रेम से बड़ा बात खत्म, हमको वो चाहिए
तुझे दांत मंजन लगा दे तो कुछ और फावड़ा चला लो तो हम नहीं जाना, हमको तो 8 बजे को खीर चाहिए, बात खत्म। तो मैं गया ठीक है, फिर वो ऐसे करने लगी। फिर बाबा जी आ गए हफ्ता भर बाद, देखे कि तो बाबा जी बात फिर छठ गए कि राशन बन ले तो तुम्हारा वैसे तो भगवान देव नाराज हो गया, खाया नहीं पिया नहीं, अरे ऐसा हो गया वैसे। और बाबा माने ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता बाबा, तो तुम झूठ बोलते भगवान खाते नहीं, आप बैठो यहीं देखो अभी। फिर उसी ढंग से बना के रही ठीक 8 बजा नहीं, उसे पहले जाकर भोग लगाई तो कमी हम बैठा है सामने, बाबा को दिखता नहीं भगवान, अब वो खिला रही है भगवान को प्रेम से, इतना तो दिख रहा है वो हाथ यू कर रही है, खिला रही है भगवान को, लेकिन सामने भगवान तो दिखते नहीं, किसको मुंह में डाल रही है पता नहीं। खीर तो आधा से ऊपर खाली हो गया, बाबा जी पैर पकड़ ले बुढ़िया की, धन्य है तुम, हम तो नियम कानून के चक्कर में फंस गए। तो कहने में भक्ति में कोई नियम कानून प्रयास नहीं है, योग में तो बड़ा नियम कानून, इसलिए कहते हैं वो उन लोगों के लिए तो बहुत श्रम है, हमारे पास कोई श्रम की जरूरत नहीं। तत्वयम लोक सृक्षाद्यम तो यान सृष्ट त्रिविरात भीष्म सर्वे वियुक्ता सविहार तंत्र दशक नमस्त प्रतिहर्तवे ते तत्ते वयम लोक सुसृक्षयाद्य तत्, ऐसा जो ते आपको वयम लोक सुसृक्षया, हम लोग जो है लोक की सृजन करने की इच्छा से अद्य त्वयान सृष्टा, आप ही के द्वारा हम सब अनुसृष्ट है, आप लोगों की सृष्टि, आप परमात्मा ही लोक की सृष्टि करने की इच्छा से हम देवताओं को उत्पन्न कर दिया, पृथ्वी जल तेज वायु इनके इंद्रिया इनके अभिमानी देवता, इन देवताओं को आपने पैदा किया, इसे कहते हैं लोक सुसृक्षया त्वया एव वयम अनुसृष्टा। कैसे अनुसृष्टा? त्रिविरात भी मने सत्व न सत्र तम गुणों भी, इन तीन गुणों के द्वारा उत्पन्न किया गया है। सर्वे भी युक्ता, इन समस्या है हम सब युक्त, सब अलग अलग, हम सब मिल करके कैसे करें काम, जैसे ईंट अलग अलग पड़ा रहता है, मिस्त्री उसको गाढ़ा वाड़ा लगा लगू कर खड़ा कर देता है मकान, तब तो संघात बन गया तो काम का लायक हुआ, और हम भी अलग अलग ईंट जैसे पड़े हैं देवता लोग, हम क्या करें, कोई मकान तो बनाओ जिस मकान में हम रहे, तब कहते अच्छा कोई बात नहीं, सर्वे युक्ता विहार तंत्र न शक्नु महा, इसे हम लोग अपने विहार प्रधान कार्य करने में सक्षम नहीं है, तत्प्रतिहर्तव्ये ते, अपने असामर्थ्य को प्रकट किया इन लोगों ने, असामर्थ्य को प्रकट कर रहे हैं, क्रीडोपकरणम ब्रह्मांडम तेतुभ्यम प्रतिहर्तवे प्रतिहर्तम समर्पयितुम न शक्नु महा, हम अपनी जो लीलाओं को करते अपना कार्य को करते हुए आपको बलि भेंट पूजा करने में असमर्थ है, कैसे हम करेंगे। अतः तम न स्वचक्षु परिदेही थी त्रयाणाम श्लोकानाम चतुर्थी अन्वय, इन तीनों श्लोकों का चौथे श्लोक यहां से जो उसमें अन्वय करना होगा अंतिम श्लोक के साथ। यावत् बलिं त्यज हराम काले कथा काले यथा वयम च अन्नमदाम यत्र यथो भये शांत इमे हि लोका बलिम भरंतन न मदंत अनुहा। यावत बलिम ते अज हराम, हे अर हे अज, यावत बलिम ते हराम, यावत काल है, कहते हैं कि काले तत्व का अवसर है, काले मने तत्व का अवसर होने तत्व निमित्त होने, हम आपको बलि भेंट पूजा साकल रूपेण पूर्ण रूपेण तुभ्य हराम समर्पयाम, हम आपको समर्पण करें, ऐसे वयम चन्न मदाम यत्र, हम सब इसलिए अन्न जा रहकर हम खा पा रहे, हमारा अपना अपना जो विषय है चक्षु का विषय रूप है उसका अन्न है, श्रोत्र का विषय शब्द है, शब्द श्रोत्र का अन्न है, तो हम अपने अपने अन्न को जहां बैठ कर खा सके जहां रहकर खा सके वो जगह बताओ, उस माध्यम से हम आपकी पूजा करेंगे। यथा उभय शांत इमे ही लोका, यथा जिस प्रकार से अन्नमदामा भक्षयामा अनेन अन्न मात्रम च अस्माकम ऐश्वर्येण तो भोगा तवैवैत, हम लोगों के लिए अन्न मदाम क्यों कहा, हम भोग नहीं करेंगे,
ये जो है रूप रसादी को हम सुखानुभव नहीं करना चाहते, हम इसको लेंगे और आपको दे देंगे, आप आनंद का भोग कीजिए, हम भोगता नहीं है, हम केवल अत्ता बने रहे। अन्न मदाम के अंदर लक्षित किया गया, भोगता तो आप ही हैं, हम कुछ नहीं। इसलिए कहते था उभेशांत में उभेशां तव च अस्माकं च, उभेशां माने आपके और हमारे, हम सबके था, ये ता इमे जीवाहा, ये सारे जीव अनुहा अप्रत्युहा निर्विघ्ना संत, निर्विघ्न होकर के जो है निसंशय वाले होकर के जो है कार्य कर सके, ऐसा कोई आश्रय की परिकल्पना कीजिए। मैंने पंचीकरण किए हुए स्थूल शरीर आएगा कहां, ये सब अपंचीकृत अवस्था में है ना, अपंचीकृत अवस्था वाले होने से वो देवता लोग जो परेशान है, हम कहां बैठेंगे, कहां करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब देवता इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई आप एक इन अपंचीकृत पंच महाभूतों को पंचीकृत करके एक स्थूल शरीर बनाइएगा, जिसमें हम सब जाकर रहेंगे, वहां रहकर सारा क्रियाकलाप होंगे हम कर सकेंगे। सुराणाम शिशान्वयानाम कूटस्थाद्य पुरुष पुराण तंदेव शक्त्या गुण कर्म योनो रेत स्वजायां कवि माद देज तम सुराणाम अशिशान्वयानाम सान्वयानाम सुराणाम महा त्वमेव कूटस्थो असि सान्वय, हम लोग जितने भी हैं अपना अपना कार्य से, सान्वय में स्व कार्य सहित हम देवता लोग जितने भी है, हम सब के अंदर एक कूटस्थ आप ही, हम सब अनित्य, कहने का मतलब देवता लोग अपने आप को कह रहे हम सब अनित्य हैं, आप ही एकमात्र कूटस्थ हैं, आप ही आद्य पुरुष हैं, आप ही पुराण पुरुष हैं, तुम देव शक्त्यं गुणकर्म योनौ रेतस्त्वजायां कवि माद देज। इतना ही नहीं, कार्य से हम लोगों के अंदर आप ही कुटस्थ, इतना ही बात नहीं, आद्य पुरुष है, आप पुराण पुरुष भी आप है, आप अधिष्ठाता है, आप अविक्री है, ये तो ठीक है। अजयवत्तम गुणाराम सत्वा सत्वादि नाम, और यदि गुण मतलब सत्वादि कार्य में परिणत हो रहे हैं, आप कैसे हैं, आप जन्म भी नहीं ले रहे हैं, आप अजय, अजयवत्तम, वो अजय है ना अंत में, उसको पहले अजयवत्तम हे देव संबोधन है, आप जो है आज ही है, आज रह करके ही गुणों का सत्वादि गुणों का जो है कर्म नाम जन्मादिम चौन गुण कर्म योन, गुण मैने सत्वादि गुण, कर्म ने जन्म स्थिति लय, इन क्रियाओं का कारण आप ही है, योनि मैने कारण, कारण आप ही, योनि बुधा शक्ति मैने माया अजायाम मायायाम रेतस्तजायाम, उसमें भी आप ही क्या है, कहते शक्त्यामयम प्रथमम रेत आदे, रेत है ना अलग कर दो, पहला बीच आपने ही आधान किया, नहीं तो माया भी कहां से काम कर पाती, विस्तार को कैसे प्राप्त करते, रेत तू अजया है ना, गुण कर्म योनो अजयाम शक्त्यम ने मायाम, गुण और कर्म इन सकल का भी कारणीभूता जो अज है, शक्ति है, माया है, उस माया में भी रेत मने बीज को, संकल्प रूप बीज को आधान करके सगल सृष्टि को निर्माण करने वाले आप परमात्मा ही हैं। तो वयम सब प्रमुखा यदर्थे भूविमात्मन करवाम किंते तन्न स्वचक्षु परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे अनुग्रहाणाम तथो वयम सब प्रमुखा, इसलिए हम सब जो हैं कैसे हैं, कहते हैं कि भाई डिस्टर्ब हो जाता है, हे आत्मन संबोधन है, हे आत्मन हे देव सत प्रमुखा मरे महत है, सत कौन है, सत पुरुषों का ख्याति होता है ना, सत मरे महतत्व, महतत्व अहंकारित जितने भी हैं सत प्रमुखा मैंने महदादि तत्व, ये महदादि जो तत्व है ना, वयम च यदर्थम बभूम, हम भी, हम देवता लोग उसी सात्विक अहंकार से देवता लोग हुए हम लोग, ये हम सब के सब जो है ना, जिस लक्ष्य के लिए, जिस प्रयोजन के लिए करके हम सबका आप निष्पादन किया है, तब किन देव कार्यम करवामा, वह आप कई कार्य को करने के लिए हम सब हुए हैं, तो वह कार्य हम कैसे करें,
किसलिए है? सृष्टि के लिए, सृष्टि रूपी कार्य का संपादन होना है, इसलिए कहते हैं गम सत्र तदर्थे तुम विमा हेतन आमते ते किं करवाम ते सृष्टि में तन्न स्वचक्ष परिदेहि शक्त्या तम स्वचक्ष हो न परिदेहि, इसलिए आप अपिच्छित प्रकाश को हमें प्रदान कीजिए, तभी तो हम कुछ कर देंगे ना, जड़ है तो प्रवेश ना हो तो ये जड़ भी नहीं कर सकते। आप जो है ना हमें अपना स्वचक्ष सब प्रकाश होता चेतन को प्रदान कीजिए, परिदेही शक्ति देवा क्रियार्थ के अपनी सामाया से आप हमें प्रदान कीजिए, ताकि हम क्या कर सकेंगे, त्वरीय ज्ञान क्रिया शक्ति क्षमा शक्ति को लेकर हम देवता लोग भी सगल क्रिया को करने दे और समर्थ हो जाएंगे। ये अनुग्रहाराम टिप्पणी त्वनुग्रहाराम करके पड़े, त्वरीय अर्थ लेना ही पड़ेगा, यद अनुग्रहाराम तत्ता एव अनुग्रह, देखो यद अनुग्रह अगर एव अनुग्रह अनुग्रह ऐसा ही टीकाकार को अंत में करना ही पड़ता है, इसलिए अच्छा रहे तद अनुग्रह आराम से पाठ करो, आप ग्रह को प्राप्त करके ही हम सब के सब आपके द्वारा जो कार्य संपादन करना है सृष्टि रूपी करे उस सब कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे। इस प्रकार से पंचम अध्याय में जो है तृतीय स्कंद की पंचम है पूरा हो जाता है, घटाया आता है तो पंचमी सूक्ष्म सृष्टि का वर्णन हो गया, और स्थूल सृष्टि के लिए समस्त कर्णाभिमानी देवता ने निवेदन किया है, तो उसी निवेदनानुरूप अब स्थूल सृष्टि कैसे होता है उसका वर्णन से ध्यान आप दिए। ऋषि रवाच इति तासाम स्वशक्ति नाम सदाम अग्नेत्य सह तत्पत्राणाम निशाम गति ईश्वर इति तासाम स्वशक्ति नाम ये नाम अफलेगा तो तासाम स्वशक्ति नाम महाराजिया आसाम महदारी नाम अपने अपने जो कि उसी का शक्तिया मैंने मिलित नहीं है ना, अलग अलग नहीं है, असमित नाम खाना और रहा प्रसुप्त लोकतंत्रा नाम, उसने क्या देगा अपने प्रसुप्तम लोकतंत्र विश्व रचना किया था, लोक में विश्व वह प्रसिद्ध है, अभी विश्व स्थापित हुआ तो सूक्ष्म नहीं है स्थूल तो हुआ प्रसिद्ध वितृत विशाल विश्व रचना को ध्यान रखे गतिम निशाम्य इस स्थिति को देख करके भगवान ने क्या किया आगे बाहर कैसा कम नहीं होगा। काल संज्ञान तदा देवी दिव्य शक्तिम क्रम त्रयोविंशति तत्त्वानां ब्रह्म पद्दा विशत पूरे प्रवेश करेश्वर जो रुक्रम है उसने जो है तो कार्यम ददा देवी काले संज्ञा बोलो संज्ञा है जगना काल प्रवण जली की योग्यता क्षोभ स्वकार काल संज्ञा सड़क कार्यों को जो प्रेरणा देने वाला वो तो कर्मिया रूपा प्रकृति ताम शब्द विभक्त धारण करते हुए वो कड़ा विधान को करने वाला परमात्मा त्रयोविंशति तत्त्वानां तीस तत्व वाला इस गण को पूरा पथ प्रवेश कर गए। सर्व पृष्ठो भगवान चेता रूपेण तं गणम भिन्नम संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधम स्वप्रेष्ठ भगवान वह भगवान जो प्रवेश करके चेता रूपेण तंगणम चेष्टा रूपेण क्रिया शक्ति से अपने क्रिया शक्ति के द्वारा प्रवेश किया हुआ वह भगवान ने क्या किया तम गणम भिन्नम जो गण विभिन्न था सूर्य सोया हुआ जैसे था उसको संयोजन उन सभी ने क्रिया को उत्थापन करके परस्पर संबंध करा पंचकरण दिया हो प्रबुद्ध कर्मादिवेन प्रविशति को गण प्रीतो अजय स्वाधीर मात्राधिपुरुषम
ತವ ವಿರಾಟ ಪುರುಷ ಜಗಿ ಪುರುಷ ವಿರಾಟ ಪುರುಷ ಧರ್ಮ ಪ್ರೇರಿತ ಕರ್ಮಗಳ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಬುದ್ಧಂ ಕಾರಣ ಕ್ರಿಯಾ ಸತಿ ಎಸ್ ತ್ರಯೋವಿಂಶತಿ ಕೋ 33 ತತ್ತೇಜಸ್ ವಾಹನಯ ವಿಪ್ರೇರಸ ದೈವನ ಈಶ್ವರ ಸೇ ಪ್ರೇರಿತ ಹೋಕರ್ ವಹ ಅಪನೆ ಅಂದರ್ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಜಬ್ ಉನ್ಕಿ ಯಹಾಂ ಕ್ರಿಯಾ ಕರ್ನೆ ಲಗಿ ತೋ ಬೇಗಾ 33 ತತ್ವಗೆ ಜಗನ್ ನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಅಜನಿಯತ್ ಅಧಿಪುರುಷಂ ವಿರಾಟ್ ಕೈಸೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಕಿಯೆ ಕಾತೆ ಸ್ವಾಹಿ ಮಾತ್ರಾಭಿ ಅಪನೆ ಸರ್ವಭೂತ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾತ್ರಾಂ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಮಾತ್ರಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರಾಂ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಪ್ರತಿ ಆಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ಸತ್ತ ಎಸ ತನ್ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾತ್ರಾಂ ಕೆ ಸಾರ ದ್ವಾರಾ ವಹ ಗಣ ಜೊ ಹೈ ಮಿಲ್ ಕರ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ಧಾರ ಗಯೇ ಚುಕ್ಷೋಭಾನ್ಯೋನ್ಯಮಾಸಾಧ್ಯ ಯಸ್ಮನ್ ಲೋಕಾಚರಾಚರಾಃ ಕಾತೆಯಾಗಿ ಪರೇಣ ವಿಷತ ವಸು ಪರಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ವೇಷ ದ್ವಾರ ಪರೇಣ ವಿಷತ ಪ್ರವೇಶ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ಹಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕ್ಯಾವ ಸ್ವಸ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ಶ್ವಸ್ಮಃ ಮಾತ್ರ ಭಾವೇಗ ಕ್ಷೋಭಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೋಭ ಕ ವಿಶ್ವಸರ್ಗಣ ಚುಕ್ಷ ಪರಮಾತ್ಮ ಕ ಪ್ರವೇಶ ಕರ್ಣೆ ಮಾತು ಸೈ ವಿಶ್ವ ಸೃಜನ ಬರದ ಯೋಗ್ಯ ಯೋಜ ಗಣತ ತೀಸ್ ತತ್ವ ಅಪ್ನಿ ಅಪ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಲೇಖರ್ ಉಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೇ ಹಿ ಅನ್ಯೋನ್ ಮಾತ್ಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಪರಸ್ಪರ ಯೇ ದೂಸರೆ ಸೇ ಸಂಬದ್ಧ ಹೋತೆ ಹುವೆ ಆಪಸ್ ಮಿಲ್ಜುಲ್ ಕರ್ಗೆ ಜಿಸ್ ಸರ್ವ ಲೋಕ ಚರಾಚರ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋಏ ಹೈ ವಾ ವಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋಯಾ ಪರಿಣಾಮ ಹೋಗ್ಯ ಚುಕ್ಷ ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಹೋಯಾ ವಿಷಣ ಸತ್ತಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಬೈದಿಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತ ಅನುಸಾರ ಪರಿಮಾ ಪರಿಣಾಮ ಸುಪ್ತ ಸುಸಿತ್ತಲ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಕಧೀರಲ್ಲ ಸಪುರುಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿವತ್ಸರಾನ್ ಅಂಧಕೋಶ ಉವಾಸಾಪ್ಸು ಸರ್ವ ಸಪ್ತಪ ಬಂಧುತರ ವಿರವಿರ ಪುರುಷ ಪುರುಷ ಹಿರಣ್ಣ ಪುರುಷ ಏ ಹಜಾರ್ ಸಾರ ಪರ್ಯಂತ ಉಸ್ ಅಂಧಕೋಶ ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೋಕರ ಅಂಧಕೋಶ ಮೇ ಸ್ಥಿತ ರಾಕ ಅಪ್ಸು ವಾಸ ಜಲಮಯ ಸಮುದ್ರ ಮೇ ವಾಸ ಕರ್ತೆ ಇನ್ ಕೈಸೆ ಸರ್ವ ಸತ್ ಉಪಬಂಧು ಸಕಲ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಸಕಲ ಜೀವನ ತಲೆ ಕೋಚಿ ಲೋಕ ಸಕಲ ಲೋಕ ನೇನು ವಾದಿ ಅದಿ ಪೂರ್ಣ ರೂಪೇಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಜೀವನ ಕ್ಯಾ ಕ್ರಿಯಾ ಆರಂಭನೀ ಹೋಯಿ ಕ್ಯೂಕಿ ಜಬ್ ತಕ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಜಗರ್ ತಪಶಾ ಕರ ರಹನಾ ಅಭಿ ತೋ ಜ ಸಂಗಲ ವರ್ಗಾ ಖಲಬಲಿ ಮಜಿ ಚಾಲು ಹೋಯ ತಪ್ ಕಾ ಗರ್ವ ಕಿ ರಮಾ ಹೈ ಏಕ ಹಜಾರ್ ಸಾಲ ಲಗತಾ ಯಾ ತೋ ನೌ ಮನೆ ಕೆ ಬಾದ ಭಾರತ ಹೈ ಪ್ರಿಯಾ ಹೋದ ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ಜೋ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗರ್ಭ ಏಕ ಹಜಾರ್ ಸಾಲ ವೋ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ನೇ ಅಪನೆ ಪಾಸ್ ಕೋ ತಪಾಯಾ ಆಗೆ ಕಹೆಂಗೆ ದೇಖಿಯೇ ಸ್ವಯಿ ವಿಶ್ವಾನ್ ಭೌ ದೇವ ಕರ್ಮಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿವಾನ್ ಯಜ ವಿಭಜಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ಏಕದಾದ್ರದಾತ್ರಧಾ ಸ್ವಯಿ ಗರ್ಭೋ ವಿಶ್ವಸೃಜಾನ್ ಸ್ವಪುರುಷ ವಿರಾಜ ಹೈ ಜಿಸ್ಕಾ ನಾಮ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಭೀ ಹೈ ಜೋ ಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಶ ಮೇ ರಹ ಕರ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೆ ಮಧ್ಯ ಮೇ ರಹ ಕರ್ ಸಮಸ್ತ ಜೀವನ್ ಸೆ ಯುಕ್ತ ಹೋಕರ್ ರಕ್ಷಿತ ಸೋತೆ ಹುವೆ ಅಭಿ ಅವಿದ್ಯಾ ನೇ ಹೋಗ ಸೋ ಅಭಿ ಊಟ ಭಾರಾಯ ನೀ ಮನುಷ್ಯ ಕೋ ಅಪನೆ ಪೇಟ ಮೇ ರಹೆ ಗರ್ಭ ಕೆ ಸಮಾನ ಗರ್ಭ ರೂಪೇನ ವಿರಾಜ ಮನಿ ಕಾರ್ಯ ರೂಪೋ ವಿರಾಟ್ ಹೈ ಗರ್ಭ ಮನೆ ಕಾರ್ಯ ರೂಪ ವಿರಾಟ್ ಇಸ್ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಶಕ್ತಿ ಹೈ ದೇವ ಶಕ್ತಿ ಕರ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ದೇವ ಶಕ್ತಿ ಮನೆ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಕರ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮನೆ ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿ ಅತಿಶಕ್ತಿ ಮನೆ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರ ಸ್ವರ್ಭೂತ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ ತೀನೋ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋಗಿ ವಿಭಾಜ ಆತ್ಮನ ಆನ ವಿಭಾಜ ಸ್ವಯಂನೆ ಅಪನ ಮನರೂಪಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸೆ ಸ್ವಯಂ ಕೆ ಅಂದರ್ ಸಕಲ ಅವಯವಂಕ ವಿಭಾಜನ ಕನ್ನ ಚಾಲು ಕರ ಅಮುಕ್ ಲೋಕ ಅಮುಕ್ ಲೋಕ ಇಸ್ಕಾ ಈ ದೇವತಾ ಹೈ ಇಸ್ಕಾ ಈ ರಾಜಾ ಹೈ ಇಸ್ಕಾ ಅಮುಕ್ ಕೋ ಹೈ ಸೇ ಭಾಜನ ಕರ್ನ ಚಾಲು ಕರ ದಿಯಾ ಅಗ್ರದಿಧಾ ಶಾಶ್ವತಿ ಸಾಧನ ಉಪನಿಷದ ಮೇಲೆ ಭಜನ ಕೈಸೆ ಭಜನ ಕಿಯಾ ಏಕದಾ ದಶಧಾ ತ್ರಿಧಾ ಏಕದಾ ದಶಧ ಆವಿರ್ಭಾಜ ಕರಿ ಏಕದಾ ಭಜನ ಕ್ಯಾ ಹೃದಯಾವಚನ ಚೇತನ ರೂಪದ ಜೀವತ್ವ ಎಕ್ ಸಮಷ್ಟಿ ಜೀವ ರೂಪನ ಅಪನೆ ಆಪ್ಕು ಮಾನ್ ಲಿಯಾ ದಶಧಾರಿ ಭಾಜ ಪಂಚ ಭಾಜ ಪಂಚ ಭಕ್ತ
ದಶ ಪ್ರಾಣೋಪೇಣ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಇದರ ಅನುಕೂಲ ದೇವಶಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಕ್ಕಾರ ಚಿಂಚಿದನ ಅನುಕೂಲ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ದಶ ಪ್ರಾಣರೂಪೇಣ ದಶದಾಗಿ ಭಕ್ತ ಸ್ವಶಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ತ್ರಿಧಾಗಿ ಭಕ್ತವ ರಾಜಾತಿಕ್ ಆದಿದೈವಿಕ್ ಆದಿ ಭೌತಿಕ್ ಭೂಮಿನ ತ್ರಿಧಾಗಿ ಭಕ್ತ ಏಷ ಹಿ ಅಶೇಷ ದಾನ ಆತ್ಮಾಂಶ ಪ್ರಮಾಣ ಅವತಾರಯತ್ರಾಸೋ ಭೂತ ಗ್ರಾಮ ಇಸ್ ಭಕ್ತಿ ಭೇದ ವಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೊ ಸಹಾಯ ಆಪ ಕರಲಿಯ ಹಿಡಾತ್ ಪುರುಷ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಹಿರಣ್ಯ ಜೋ ಜೋ ಸಹಾಯ ಕರಲಿಲ್ಲ ಈ ಭಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಳಿಯೇ ಉಸೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಥಾ ಪಹಲೆ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಥಾ ಮೈನೆ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಕಾ ಗರ್ಭ ರೂಪ ಮೇ ಥಾ ವೋ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಥಾ ಉಸ್ನೆ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾ ಐಸೆ ಥೋಡಿ ವಾಚನ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ಜಾಯೆಗಾ किसी को भी आप जो है कोई काम सौंप दीजिए वो घबरा जाता पहली बार तो हमसे होगा कि नहीं हो तो क्या होगा ऐसा काम है कोई पता रहेगा ना उसको लगता है इतना बड़ा काम होगा दिमाग खराब हो जाता है और ये भी डरता है कहीं बिगड़ ना जाए लोग क्या कहेंगे थोड़ा सा इज्जत बदनामी होगी हर तरह के डरते रहता है और एक बार कर लिया उसे छोड़ कर जाए तो बहुत तो करते जाएगा उसे तपस्या किया है तभी कर पाता है नहीं तो जिंदगी भर भी जो काम देते रहो जिंदगी भर बदलते रहा ऐसे भी बहुत आरण्य है ठीक शक्ति वर्ग करेंगे तो कोई अभ्यास नहीं किया भयं से लगा रहा तुम्हें ऐसे हाथ पिटाई खाते रहते हैं और होता क्या बैल भैंस करते क्या बेचार पिटाई खाते रहते हैं और जोती भी रखी जिंदगी भर यूं ही खत्म हो जाते हैं नहीं वैसे ही हो जाता लॉन्ग जीव खत्म कि साधना में एक कदम भी आगे नहीं अपने संगम को क्षय करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं वासना क्षय के लिए प्रयास ही नहीं ये मान बैठे हैं कि हम तो बोल नहीं सकते स्वीकार कर लिया क्या करोगे उसको बात मान शुक्रा भाई जी नहीं कहते बदाम में बहुत अदर विद्वान है देश घूमते फिरते हैं और वो क्या दृष्टांत हम तो जोड़ दिया हमारे अध्यक्ष प्रवचन में और परमाध्यक्ष थे ना उन्हें कहने संस्कार तुम बदल जा सकती तो गर्मी वगैरह चाहे राधा का रानी भी क्यों ना गर्म नहीं हो जाए तो भी दीवार को चाटने लगती है नहीं मान लिया ना हमने एक संस्कार में बदल दी अब ऐसे आदमी गर्म सुना ठीक है भाई बने रहो तुम भी डर जो तेरह संसार को क्या करो क्या जाना कोई रास्ता नहीं एक तो आत्मा क्षय को मानने कोई तैयार नहीं सारे शास्त्र तेरा गलत है जो अक्षय की कथन कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ ना कि उन्होंने निश्चय कर लिया मैं तो बैल ही रहना है मेरे को संसार में जोते ही रहना है तो ठीक है कहो जिस टाइम मानेगा तो तपस्या तो कहेगा ही जैसे आदि पुरुष ने किया है सकत ये अशेष सत्वानाम आत्मांश प्रमाणम आद्य अवतार प्रास हो भूत ग्राम आद्य ये ही अशेष सत्वानाम आत्मांश आत्मा का यह अंश है इस संसार में प्राणी ना सगल लेना वृष्टि ज्योतन में प्राणी इन वृष्टि जीव है जैसे आपके शरीर के अंदर आप क्या है समष्टि जीव है ना इस शरीर के अंदर भी हजार कीड़े मकोड़े सब घूम रहे कीटाणु है किसने कुछ गणित करा है विदेशी ने वैज्ञानिकों ने कहा 6 अरब कीटाणु इसके अंदर घूमते रहते हैं 6 अरब गिनाया है वैज्ञानिक ने अब बताइए विश्व की जनसंख्या 6 अरब उत्तरी पूरी यहां पर घूम रही है अंदर अब बताओ इतने कीटाणु से वृष्टि ढंग से अपने काम कर रहे हैं ना अपराध कर्मानुसार चल ही रहे हैं कोई खून बना रहा है कोई खून को खा रहा है कोई खून को बर्बाद कर रहा है सब काम हो रहा है ना अंदर लेकिन सबका अभिमान करता मैं एक अपना अलग ही हूं तो सर्वष्टियों के ऊपर एक मैं समष्टि रूप में हूं इसी प्रकार हम सर्वष्टियों के ऊपर भी एक समष्टि है उसी को यहां पर कहा जा रहा है आत्मांश वो भी इसलिए इन सगल आत्मा के अंश रूपा है समझो परमात्मा
ఆది అవతారో వై పరమాత్మ బ్రహ్మక ప్రథమ సగుణ సాకార అవతార సమ్జో స్థూల అవతార యహి తా విరాట్ అవతార జో హై జిస్మే యత్ర